आपने इन दिनों दिल्ली में जगह जगह G20 के बड़े बड़े बैनर देखे होंगे। नौ और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 की बैठक हो रही है, इसके लिए सरकार और पुलिस दोनों ने कमर कस रखी है। ऐसा हो भी क्यों ना, G20 की इस बैठक के दौरान राजधानी दिल्ली में कई बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद रहेंगी। तो आइए जानते हैं इस G20 ग्रुप के बारे में और डिटेल से। ये ग्रुप क्या है, क्यों बना, इसमें कौन कौन से देश हैं और सबसे जरूरी सवाल, इस ग्रुप की इतनी अहमियत क्यों है। G20 क्या है और क्यों बना। G20 अपने नाम से ही साफ है, यह 20 देशों का एक ग्रुप है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल बाद साल 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया, इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। और इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं और भारत इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस इकोनॉमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और एंटी करप्शन जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। G20 कितना ताकतवर ग्रुप है। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम जानने से ही पता लग जाती है। G20 ग्रुप में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके साथ ही इस ग्रुप का 20वां सदस्य है यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के देशों का मजबूत समूह। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। जैसे इस बार भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को बुलाया है। G20 की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है। G20 कैसे काम करता है। दरअसल जिस भी देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है, वह उस साल G20 की बैठक आयोजित करवाता है और बैठक का एजेंडा पेश करता है। इसके अलावा G20 दो पैरेलल ट्रैक पर काम करता है। एक होता है फाइनेंशियल ट्रैक, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर देश का एक शेरपा लीड होता है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं। G20 के शेरपा लीड भी अपने अपने देश के प्रमुख का काम आसान करने का जिम्मा उठाते हैं। सभी सदस्य देशों के शेरपा बैठकों के जरिए अलग अलग मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। G20 की अध्यक्षता कैसे मिलती है, ये तो हम सभी को पता है कि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन ये अध्यक्षता मिलती कैसे है। दरअसल G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रॉयका यानी एक तिकड़ी से तय होता है। इसमें पिछले, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष देश शामिल होते हैं, इसे ही ट्रॉयका कहते हैं। जैसे इस बार ट्रॉयका में इंडोनेशिया, जो पिछली बार अध्यक्ष था, भारत जो अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष है और ब्राजील जो अगले साल अध्यक्ष होगा, ये तीनों देश शामिल हैं। G20 की बैठक से क्या फायदा होगा। आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि इस G20 की बैठक से हमें और आपको क्या फायदा हो सकता है। देखिए, ये तो हम समझ ही गए कि ये कितना मजबूत ग्रुप है, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। बैठक के अंत में G20 देशों के साझा बयान पर आम सहमति बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर होती है, और भारत भी इसकी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वह बैठक के दौरान G20 के एक साझा बयान पर आम सहमति बना सके।